Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the vlog. आज मैं वायनाड में हूँ एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. मैं अभी अपने ट्रिप के कुछ कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे डालूंगा स्क्रीन पे, आप उसको देख लेना और खुद ही जज करना है कैसे कितना अच्छा जगह है. आज हमारा डे वन है और आज हम लोग जाने वाले हैं फैंटम रॉक, कालरा केव्स एंड उसके बाद हम लोग एक डैम जाने वाले हैं जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है. सो आज के लिए बस ये तीन जगह ही हमारे आइटिनरी में. सो लेट्स गो. और ये है हमारे रूम से व्यू. हमने जो एक होम स्टे लिया है वो जंगल के पूरे बीचों बीच है, चारों ओर जंगल ही जंगल है. बहुत ही बेहतरीन जगह है. सो वी जस्ट मेड इट ओवर हियर टू फैंटम रॉक एंड यहाँ से बहुत ही हमें ऐसे चल के ऊपर तक जाना है. इट्स गोना बी टफ आई गेस, लेट्स सी. हम लोग अभी फैंटम रॉक के ऊपर तक पहुँचे नहीं हैं और बीच में हमें इतना बेहतरीन व्यू मिला यहाँ पे. लुक एट दिस व्यू, वाओ. ओके, फैंटम रॉक पहुँच ही गए एक्चुअली. ये है फैंटम रॉक. इसका ऐसा है कि ये फैंटम रॉक को ना आप एक कुछ एंगल है जहाँ से आप अगर देखते हो तो ये लगता है कि कोई एक ह्यूमन स्कल है, तो इसलिए फैंटम रॉक इतना ज़्यादा फेमस है. तो अब हम लोग वो एंगल ढूंढते हैं जहाँ से हमें ये ह्यूमन स्कल जैसा दिखेगा. कठिन रास्तों का सामना करते हुए इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में फैंटम रॉक की तरफ हम बढ़े जा रहे हैं. अरे यहाँ से दिख रहा है बस कल, ये देख. हे नाइस. अब आपको मैं ह्यूमन स्कल दिखाता हूँ. वाह, और एक फन फैक्ट, इस स्कल के बाल भी हैं यहाँ पे, देखो दिख रहा होगा हल्का सा. बढ़िया स्कल है ना. आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट वन आवर फैंटम रॉक के पास हम लोग फाइनली नीचे जा रहे हैं. अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो फोटोग्राफ्स लेने के लिए आपके पास बहुत सारी जगह होंगी एंड वो आपको ऐसे नॉर्मली देखने से नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ फोटो ले सकते हैं. आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा घूम घूम कर चारों ओर, और बहुत सारे स्पॉट्स हैं फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के लिए. सो ऑल द बेस्ट. अंशु, अभी हम लोग कहाँ आए हैं? ये फर्स्ट है. सो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्या केव्स, भाई वो केव का नाम क्या है? एडिकल. सो अब हम लोग जा रहे हैं एडिकल केव्स, जहाँ पे हम लोगों को शायद थोड़ा सा ट्रैक करना होगा. मुझे ऐसा सुनने में है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है हम लोगों को. सो देखते हैं कितना समय लगता है. हम यहाँ पे छोटी सी जगह पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा चुके हैं. सो अब देखते हैं आगे हम लोगों को कितना टाइम लगेगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एडिकल केव्स. कितना टाइम लगेगा उधर एडिकल केव्स पहुंचने में? उससे एक किलोमीटर चलना पड़ेगा. अच्छा, तो मतलब वहाँ नीचे तक जाने, बेसमेंट पे जाने कितना टाइम? नीचे जाने हाफ एन आवर. मतलब यहाँ से हाफ एन आवर लगेगा? ओके, तो क्या बोल रहे हैं तो होटल वाला साइन दिख रहा है, बुलाती है मुझे जाने का. ओके गाइस, सो वी जस्ट मेड इट ओवर हियर टू एडिकल केव्स. यहाँ पार्किंग का 4-व्हीलर का 40 रुपीज़ है एंड 2-व्हीलर का 10 रुपीज़ है. तो यहाँ पे जैसे ही आप पार्किंग करोगे वहाँ से आप लोग को 1 किलोमीटर ऐसे रास्ते पे चल के ऊपर तक जाना है. उसके बाद आपको पार्किंग उसके बाद आपको टिकट मिलेगा. हालत ख़राब हो चुकी है हम लोगों की इतनी दूर आने में. ये है धीरज, मेरे कॉलेज का दोस्त. इसको हम लोग अभी तक हमने इंट्रोड्यूस किया नहीं था. और भी 3 लोग हैं हमारे आगे जा रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा फिट हैं शायद. हाँ भाई, तो जल्दी चल रहे हैं. कुछ फिट नहीं है भाई, हम रुके थे फ़ोटो लेने के लिए. हीरो बन रहे हैं वो लोग. यार धीरज भाई, लंग्स बाहर आ जाएगी लग रहा है. हाँ, और ऐसा चढ़ा तो निकल ही आएगा सच में. कल फिर ट्रैकिंग के लिए जाना है ना? यस, कुरुम्बला कोटा.
अरे ट्रैक के लिए जाना है। द्रुति हाउ आर यू फीलिंग? सेंसर्ड। क्या बोल रहा धीरज? 100-200 ज्यादा ले ले, पर ऊपर चढ़ा दे, थक गया हूँ मैं भाई। अबे मत डालना प्लीज ब्लॉग ब्लॉग। नहीं नहीं, ये तो जाएगा और थोड़ा सा बाकी बस। यू कैन डू इट धीरज। यस वी कैन, वी कैन एंड वी विल। यस अंशु हेल्प मी। ओहो थैंक यू सो मच। अगर तुम आज मेरा सहारा नहीं बनते। ऑलराइट, सो काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग फाइनली ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ से अंदर जाने हैं तो चल के देखते हैं अंदर। ये पत्थर अटका हुआ है, ये अगर गिर गया मस्त होगा ना, फिर लोग केव देखने के बदले हमारी समाधि देखने आएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, पता नहीं लोगों को कैसे समझ आता था यार। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर टाइप का बना हुआ है ये यस, और भी कुछ कुछ बना है, वहाँ एक व्हील टाइप का बना है। अंशु सोच, यहाँ पे हमारे पूर्वज रहा करते थे, समझ रहे? तो मेरे पूर्वज नहीं रहे। तेरे पूर्वज नहीं रहे थे? हो भी सकते हैं। हमारे पूर्वज रहे हैं कहाँ? खंडगिरी के। खंडगिरी उधर एक स्पाइरल है। क्या लिखा है? स्पाइरल वाला दिख रहा है। स्पाइरल वाला ये वाला? हाँ। क्या है ये? इसका मतलब जिंदगी मेज है, इसमें फंस के रह जाओगे तुम। ओह माय गॉड, जिंदगी मेज है, उसका मजे लो। तू भाग क्यों रहा है? तो मजे लेना। ओके तो अंदर का आप लोगों ने देख लिया कैसा केव्स है, अंदर क्या क्या है। तो जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उन्हें काफ़ी पसंद आने वाला है ये। यहाँ अगर आप ऊपर आने का सोच रहे हो तो पानी बोतल तो डेफिनेटली लेकर ही आना। पाइनएप्पल और कच्चा आम जो होता है हम लोग वो लिए थे, तो आप लोग वो भी ले सकते हो रास्ते में। और अब फाइनली नीचे जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं डैम जाने वाले हैं, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है। Quick stop for lunch at Hotel Taj. हम लोग यहाँ पे मालाबार चिकन बिरयानी ट्राई किए एंड हम लोग सुने थे उसके बारे में कि बहुत अच्छा रहता है, शायद इट वॉज गुड। और अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाने वाले हैं डैम पे। तो यहाँ से शायद बस 10 मिनट का रास्ता है, तो 10 मिनट में हम लोग डैम पहुँच जाएंगे। कैरापुआ डैम एंड यहाँ का जो व्यू है, इनफैक्ट जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको एक पार्क दिखता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, बंजी जंपिंग है, फिर यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सा पार्क है, यहाँ पे जिप लाइनिंग भी है। ये सब के बाद आपको वहाँ पे दूर में दिखता है डैम। और ये जो व्यू है, मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये जो व्यू है इतना खूबसूरत लग रहा है। एक तो अभी जब हम लोग आए हैं तो बहुत ही बेहतरीन वेदर हो चुका है, नहीं तो बहुत धूप था, अभी वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। डैम के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। अंशु ये डैम कितना मस्त लग रहा है ना। डैम सन। ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये कितना बढ़िया है। वाव, अभी ये पानी मैं मेरे को पहले लग रहा था ना बस इतने दूर ही है, ये वहाँ तक है एकदम। ये एक्चुअली फिंगर शेप्ड है, तो देखिएगा इसको अगर मैप्स में तुम एक्सप्लेन करके देखिएगा तो तेरे को दिखेगी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में। हाँ, फिंगर शेप में तेरे को मिलेंगे वाटर बॉडी। नाइस यार, ये अगर पार्ट को थोड़ा सा ये लोग साफ वाफ करके अच्छा सा कर देते ना, काफ़ी अच्छा लगता है ना। बट ठीक है, वहाँ पे वो पार्क वगैरह है जहाँ पे हम लोग पहले अभी आपको मैं बताया, यहाँ पे ये डैम है और यहाँ बेहतरीन हवाओं के साथ बेहतरीन पानी। तो अब हम लोग जाकर डैम के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं और ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। वाओ,
डैम के पास आने के लिए यहाँ बहुत दूर चल के आना पड़ता है, कम से कम 500 मीटर या 700 मीटर के अराउंड होगा। तो वहाँ से डायरेक्ट आपको चल के आना है, फिर आप यहाँ पे डैम के पास आ सकते हो। तो फाइनली हमारा डैम का भ्रमण भी ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पीपल आर डेड ओवर हियर, सो एम आई। अंशु कैसा रहा आज का ट्रिप यार? बहुत ज़्यादा चढ़ लिया पहाड़ के ऊपर। क्या चढ़ गया पहाड़ में? अच्छा, पहाड़ के ऊपर, और इतना कुछ एक्साइटिंग था नहीं ऊपर, मतलब खोदा पहाड़, मतलब चढ़ा पहाड़ चूहिया तो नहीं निकली फिलहाल तो। हाँ, इस डैम में ठीक है, थोड़ा घास वास लेट रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ लिया 10 किलोमीटर के ऊपर। नहीं, वी ट्रस्ट यू, आई मीन मैंने भी चला है। दिखा दो थोड़ा ऑडियंस को, दिखा दो। 9.92 कितने स्टेप्स हैं? देखो 14810 स्टेप्स। तो बहुत ज़्यादा चल लिया आज, अभी जाके बढ़िया नींद आएगा, लेकिन सही है रे तुम लोग। धीरज जी हेलो, अच्छा ही था आज का दिन, बट थोड़ा टायरिंग था, मस्त जाके सोएंगे। और कल भी शायद टायरिंग होने वाला है ना? हाँ, हम लोग जाएंगे ट्रैक कर रहे हैं कुरुम्बला कोटा, उसके बाद फिर रोड ट्रिप है पुकुड़े लेक एंड एक और जगह का, तो अच्छा ही रहेगा कल भी। सही है, बढ़िया है। और गाइस, सो आज का हमारा ट्रिप बेसिकली यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आज आप लोगों को एनर्जी थोड़ा सा डाउन लगा हो मेरा, सो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज सुबह जो हम लोग गए थे वहाँ पे, एक्चुअली क्या हुआ था, कल रात भी हम लोग रात भर ठीक से सोए नहीं थे, बस से आए थे तो ठीक से उतना अच्छे से सो नहीं पाए थे, एंड फिर आज सुबह हम लोग घूमने गए, और सुबह हमें इतना चलना था आज कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमारा एनर्जी थोड़ा सा डाउन था। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो या फिर आप लोगों को कोई भी हेल्प हुआ हो इस जगह के बारे में जानकारी के लिए, तो फिर प्लीज़ आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आज अभी हम लोग बस यहाँ से 6:30 हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड होटल जाएंगे, बस खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह फिर हमें सनराइज़ के पहले उठना है, 4 बजे के अराउंड हमें, क्योंकि ट्रेकिंग के लिए जाना है, वहाँ पर जाके सनराइज़ देखना है। सो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय, पीस।